करके कोने में बैठ के घुटना पे फ़ोन फंसा के मैं वीडियो बनाया हूँ गाइस, मगर आज इसको सक्सेस करके रहूँगा ये चैलेंज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से वो चैलेंज ले रहा हूँ और आज मैं फिर से वो वीडियो बनाऊंगा जो मैं कल फेल हो गया था। फ़ोन आ गया था इस वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया, तो आज मैं वो वीडियो बना के रहूँगा गाइस पूरा मार्केट से घर तक का। तो अभी चलते फटाफट लवर पॉइंट, और क्योंकि वहीं से ही स्टार्ट करना है वीडियो, तो पहले लवर पॉइंट चलते हैं और रात में उधर से जब आएंगे तो कैमरा ऑन रहेगा और घर तक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो अभी चलते फटाफट पहले लवर पॉइंट। सो हे गाइस, वेलकम बैक। आपका भाई फिर से आ गया है वो चैलेंज को लेके। और ये जो मेरा चैलेंज है गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मार्केट से ब्लॉग स्टार्ट करना और घर तक जाना। और क्योंकि ये चैलेंज मैं क्यों लिया, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और पहले रोड क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये चैलेंज मैं क्यों लिया। तो गाइस फाइनली मैं रोड क्रॉस कर लिया हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चैलेंज मैं क्यों लिया हूँ। गाइस आप लोगों को तो पता है गाइस, अभी जैसा ब्लॉगिंग का क्रेज़ है बहुत बहुत, मतलब सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हर तीसरा बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा है क्या कि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो तो ठीक तरह से नहीं कर पाते गाइस, एक नॉर्मल सा फ़ोन रहता है और उनके पास माइक भी नहीं रहता। मेरे पास बहुत पहले से था, मैं कम से कम दो एक दो साल पहले ही माइक लिया था और उसका यूज़ नहीं करता था। बट हाँ, एक जुनून था कि नहीं ब्लॉगिंग करूँगा, यूट्यूब पे तो वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, आज ना कल वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस माइक मैंने एक दो साल पहले ही लिया था और एक जुनून था कि मुझे ब्लॉगिंग करना है। बट यही था कि वो माइक उसमें मैं यूज़ नहीं करता था कि क्या करूँ माइक का, कुछ समझ नहीं आता था कि मतलब इसका यूज़ कैसे करूँ, क्या चीज़ के लिए यूज़ करूँ। बाहर निकलता हूँ तो पब्लिक का डर कि कैसे वीडियो बनाएंगे, पब्लिक है इतना क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, रोड पे वीडियो बनाना सही है या नहीं है। बहुत से लोग चलते रोड पे, कुछ लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो, अगर पाँच लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो 20 लोग हेट भी करते हैं। 20 लोग अगर, दो लोग अगर आपको हाथ पकड़े हैं उठाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, तो 10 लोग आपको धक्का देने के लिए भी तैयार रहते हैं वो दो लोग के पीछे। ऐसा है गाइस कि अगर दो बंदे अगर आपको हाथ अगर खड़ा करने के लिए हाथ बढ़ाए हैं कि मैं साथ हूँ आप करो, तो 10 लोग उसके पीछे आपको धक्का देने के लिए भी तैयार हैं कि तुम आओ हम धक्का देंगे। और वो आपको धक्का नहीं देंगे, बस वो ऐसा सा बात बोलेंगे, तो आपके अंदर इतना नेगेटिविटी दे देंगे जो कि आपको वीडियो बाद में बंद करना होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो अभी मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ रोड पे, क्योंकि जो लोग गाइस अगर वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, और मैं तो अभी उस तरह से भी उस तरह मुकाम पे नहीं पहुँचा हूँ, ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। जय सिया राम। तो नहीं पहुँचा हूँ। तो ऐसा है क्या गाइस कि अगर पब्लिक के बीच में मैं वीडियो बहुत शुरू से चाह रहा था कि नहीं पब्लिक के बीच में एक वीडियो बनाना बनता है, वीडियो बनाऊंगा वो भी मार्केट में और ऑन कैमरा फेस करते हुए घर तक जाऊंगा, और मेरा वीडियो मेरा जो कैमरा है बिल्कुल बंद नहीं होगा। आप लोग जैसा आवाज़ सुन सकते हो, कैसा आवाज़ आ रहा है इधर लो, मैं अभी लूँगा नहीं। यही सब होता है गाइस, यही सब को सुन के आप नर्वस हो जाते हो और कैमरा बंद कर देते हो, और मैं कैमरा अभी बंद करने वाला हूँ नहीं। मैं घर तक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए घर तक जाऊँगा और देखता हूँ रास्ते में किस तरह से और कितने तरह के लोग मिलते हैं। और कल जो मैं बनाया था गाइस मेरा चैलेंज क्यों फेल हुआ था, आप लोगों को हंसी आएगा, बहुत बेकार का मेरा मजाक बना था मार्केट में। अभी जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ ये बनाना, वहीं से मैं कल स्टार्ट किया था। और अभी मैं पेट्रोल पंप तक जब जाऊँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ पेट्रोल पंप की ओर, और वहाँ तक मैं मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फ़ोन का कैमरा ऑफ था, मेरा फ़ोन भी ऑफ था, स्विच ऑफ नहीं था, बस ऑफ था फ़ोन, और मैं ऐसे ही बकते हुए जा रहा था घर, और कुछ पता नहीं था कि क्या मतलब किसको बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, कुछ पता नहीं।
बस बोले जा रहे हैं मेरा फ़ोन ऑफ है, और अभी अगर फ़ोन मेरा ऑफ़ होगा तो ये पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, क्योंकि मैं फ्लैश ऑन करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और फ्लैश जैसे ऑफ़ होगा मैं समझ जाऊँगा कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया। तो कल मैं ये चीज़ नहीं किया था, ये मेरा भी कुछ गलती था, मैं फ्लैश इसलिए ऑन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास ब्लॉगिंग किट का एक बहुत अच्छा फ्लैश है, उससे बेटर फ्लैश है, तो वही फ्लैश मैं यूज़ किया था। और अभी फिर क्या हुआ, मतलब कल कॉल आया था पता नहीं चला, तो उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते फालतू में बकबक करते करते पेट्रोल पंप तक गया, जब वहाँ फ़ोन चेक किया वो दोबारा फ़ोन आ रहा था। फिर जब चेक किया कि नहीं चलो यहाँ तक का वीडियो बना है, गैलरी में जाके देखता हूँ 28 सेकंड का सिर्फ वीडियो बना है, और 28 सेकंड का वीडियो बना मैं देख के शौक हो गया यार, 28 सेकंड का कैसे बन सकता है, उतना दूर से बकते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं वीडियो में, ऐसा वैसा सब कुछ दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, फिर भी 28 सेकंड का। फिर देखा अरे यार फ़ोन आया था इस समय, इसलिए मेरा वीडियो वहीं पर ऑफ हो गया था, और मेरा फ़ोन सब ऑफ हो गया था, इस वजह से मेरा वीडियो नहीं बना था। तो आज वो गलती नहीं करूँगा, कल मेरा चैलेंज फेल्ड हो गया था, मगर आज इसको सक्सेस करके रहूँगा ये चैलेंज। और अब बस बहुत जल्द ही अभी मेन मार्केट पहुँचने वाले हैं, मार्केट का नाम है हाटपाड़ा, यहाँ पहुँचने वाले, यहाँ बहुत सारा भीड़ रहता है, बहुत पब्लिक रहती है यहाँ पर, तो अब देखते हैं यहाँ मेरा कैसा, किस तरह से मैं इस जगह को, इस सिचुएशन को हैंडल कर पाता हूँ, और मैं अगर मार्केट में अगर कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कॉन्फिडेंस लग रहा हूँ या नहीं। अगर पब्लिक को देख के अगर मेरा अगर इंगेज हट रहा है तो ये भी बताना। अभी मैं इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं रोड पर चल रहा हूँ, अपने घर पर तो नहीं ना हूँ, और बहुत सारे गाड़ी इधर उधर हो रहे हैं, तो सब कुछ देख के वीडियो बनाना पड़ता है। अभी जस्ट आगे अभी जस्ट एक प्रशासन का गाड़ी जा रहा है, और वो लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, अब उन्हें क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट, और अभी घर तक ये वीडियो मेरा ऑन रहेगा, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट घर ही जा रहा हूँ। वैसे ये जो ये बनाने का जो जुनून मेरे अंदर आया है ना गाइस, ये वीडियो YouTube वीडियो, और अभी जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप लोग आसपास देख सकते हो कितने लोग हैं, आप लोग जैसा देख सकते हो बहुत सारे पब्लिक हैं, और यहाँ पे जाम 365 दिन लगती है, यहाँ ट्रैफिक इतना लगता है क्योंकि इधर पास में ही थाना है, और यहाँ से 3-4 रोड यहाँ से कटती है जगह जगह जाने के लिए, तो यहाँ पे जाम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे अभी कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, बस इतना जान रहा हूँ गाइस लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, देख रहे हैं गौर से, और चिल्ला भी रहे हैं इधर भी ले लो इधर भी ले लो। मैं कहाँ लूँ, मैं कहीं का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा फिलहाल, अभी मैं घर तक ये वीडियो ऑन रखूँगा और घर तक मैं जाऊँगा, और आज वो गलती जो कल मेरा गलती हुआ आज वो गलती से नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल कर रखा हुआ है, कॉल ना मैसेज कुछ नहीं आएगा, स्विच ऑफ है मेरा फ़ोन, सबको स्विच ऑफ बताया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर, और अरे रे 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 भाई भाई कैसा गाड़ी चलाता है यार, इस तरह जा रहे हैं उसी तरह दाब रहा है गाड़ी। तो गाइस मैं बता रहा था कि ये मोटिव कैसे आया मेरे अंदर ये वीडियो बनाने का, मेरे पापा की वजह से। मेरे पापा पहले बोलते थे, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो लोग अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना मेरा जो पिछला वाला वीडियो है। मेरे पापा अभी गाइस ऐसा ही क्या कि मेरे पापा एक समय के लिए वीडियो के बहुत खिलाफ थे, वीडियो बनाना बहुत ख़राब समझते थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे फालतू टाइम पास है, और ये भूत मुझे टिकटॉक से चढ़ा। जब टिकटॉक आया तो उस समय मैं टिकटॉक वीडियो बहुत वीडियो बनाया, मगर ये है कि उस समय उतना लोग नहीं जानते थे, बस नॉर्मली रैंडमली वीडियो बनाता था, जैसे तैसे वीडियो बना लिया अपलोड कर दिया, उस समय कुछ नहीं सोच रहा था कि यार लोग क्या बोलेंगे, एकदम छुपा के वीडियो अपलोड करता था मैं। आप लोग अगर मेरे पास वो वीडियो नहीं है नहीं तो मैं स्क्रीन पर दिखाता वीडियो कि मतलब क्या है, कैसे पहले मैं वीडियो बनाता था, बहुत बेकार था एकदम अजीब तरह से, घर मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, बस पापा को, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, पापा को फ़ोन से मैं वीडियो बनाता था, बेड पे चढ़ जाता था, मतलब चढ़ने या बेड पे बैठ के एक कोने में दीवार में लद के दो घुटना के बीच में फ़ोन फंसा के वीडियो बनाया हूँ मैं टिकटॉक का। तो वो तो टिकटॉक का बात था, वो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाऊँ, उस समय मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, भेज के उसका वीडियो मैं बना। जी भाई मैं यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, सुमित 1407 मेरा घर है सिंधीपारा में। हाँ मेरा तो अभी 300
होने वाला है। न्यू आईडी? हाँ, 11 जनवरी को खोले हैं। 11 जनवरी को खोले हैं। 11 जनवरी 2023 को खोले हैं आईडी। क्या नाम बोले का? सुमित 1407। जी, मेरा भी यूट्यूब चैनल है सिंगल बॉस 76। सिंगल वॉइस? सिंगल बॉस। ओ, सिंगर बॉस, सिंगिंग करते हो? सिंगल बॉस। ओ, सिंगल बॉस। ओ, तो ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, जैसे चलाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तो आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको फॉलो कर देंगे। ठीक है, आप ऑन कर दिए मोबाइल दुकान में दिए, मेरा भी वीडियो ऑन है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, हम क्या नाम से बोला आपका? सुमित 1407। सुमित 1407। हाँ ठीक है, हम कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। एक आईस बहुत खुशी की बात है, मतलब इस तरह से लोग आ रहे हैं और आईडी लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से मुझे वहाँ भी मिलता था प्यार, जब मैं जो लवर पॉइंट जगह है वो मेरा लकी जगह, उसे मैं भूल नहीं सकता। वहाँ से ही आधा से अधिक सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर मेरा आधा से अधिक वहीं पर बढ़ा है, क्योंकि मैं रोड पर स्टैंड लगा के वीडियो बनाता था वहाँ पर, और लोग वहाँ पर आके देखते थे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है ये। तो आते थे, आईडी लेके जाते थे, और जिस तरह से अभी लेके गए, ये तो बस याद रखे कि बता दे, फ़ोन अभी नहीं था इनके पास और मैं भी अपना फ़ोन अभी नहीं ऑफ कर सकता, कि आईडी लेके गए तो अच्छा लगा देख के। बस इसी तरह आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलते रहे गाइस, मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। 8 सब्सक्राइबर बचे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और यहाँ तक ला के खड़ा करने के लिए आप लोगों का। आप लोगों ने इतना जितना भी प्यार दिया और जितना भी प्यार कर रहे हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया गाइस, दिल से शुक्रिया, यहाँ से थैंक यू। क्योंकि गाइस 300 मानता हूँ बहुत लोगों के लिए कम होगा, एक छोटा चैनल है, ठीक है मानता हूँ, मगर 300 मेरे लिए बहुत है। एक छोटे यूट्यूबर के लिए जो स्टार्ट करते हैं उसके लिए 50 भी बहुत है, 50 उसके लिए बहुत है। वो यहाँ से वीडियो रोकता हूँ क्योंकि अब घर आने वाला है, घर आने वाला है, मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है गाइस। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ गया हूँ और अभी फटाफट बैग रखते हैं और मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे पापा बनाए हैं, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है। सो गाइस, ये देखो, ये पापा बनाए हैं, ड्रेसिंग आईना, ये पापा अपने हाथ से बनाए गाइस, ये देखो, और कमेंट करके बताओ कैसा बना है। अभी पापा बना ही रहे हैं बैठ के। तो गाइस, अब मुझे ब्लॉग यहीं पे एंड करनी होगी, और क्योंकि एंड इसलिए करनी होगी क्योंकि घर पे लाइट भी नहीं है और मुझे वीडियो एडिट भी करनी है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग जो करते नहीं हो पता है। और 300 फैमिली बहुत जल्द होने वाली है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना प्यारा सा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी अभी लाइट आई है तो अभी चलते फटाफट, पहले वीडियो एडिट करते हैं और फ़ोन को चार्ज भी करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक लिए बाय।